और इस बीच ये बड़ी खबर जानिए, बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, जिस बात के कयास लगाए जा रहे हैं, ये तस्वीरें देख लीजिए। नीतीश कुमार आज राजभवन में मौजूद हैं और ये तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। पटना से ये बड़ी हलचल हम आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हैं, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में जो सरकार है, जो मौजूदा सरकार है, जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर चल रही है, वो चलेगी कि नहीं चलेगी। क्या नीतीश कुमार इस वक्त अपना इस्तीफा दे सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है इस मुलाकात का। बड़ी बात एक और जानिए, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, इसमें तेजस्वी यादव मौजूद नहीं दिख रहे हैं। अकेले नीतीश कुमार राजभवन में हैं और वहां वो मुलाकात के लिए गए हैं। सियासी हलचल लगातार जारी है, कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। ये खबर भी आ रही है कि नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ होंगे, सीएम पद नीतीश कुमार को मिलेगा। उसी बीच नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे हुए हैं और इस मीटिंग की सबसे अहम बात यह है कि डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव इस समय नहीं है। पर्ची हटाकर कुर्सी पर अशोक चौधरी बैठ गए हैं, क्योंकि जब राजभवन में वो गए थे तो उनके नाम की पर्ची लगाई जाती है और वहां पर जिस कुर्सी पर तेजस्वी यादव का नाम लिखा हुआ था, उनके नाम की पर्ची लगी हुई थी, उसको हटाकर अशोक चौधरी वहां पर बैठ गए हैं। ये बहुत बड़े संकेत हैं। क्या आज ही